एनर्जी किससे मिलती है? तो एनर्जी मिलती है ठूस ठूस के खाने से। नोज के अंदर आपको दिखाई देती है खाली जगह है, राइट, जहां पे बचपन में हम लोग मस्त उंगलियां डाला करते थे। आपके पास है विटामिन ए, फिर बी, सी, डी, ई एंड केवल। समझ में आए? नाक की खाली जगह नेजल कैविटी, मुंह की खाली जगह ओरल कैविटी। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। उस कॉमन पॉइंट का नाम क्या है यहाँ पे? लैरिंग्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग बींग पार्ट वन का सेकेंड लेक्चर, राइट। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी किससे मिलती है, तो एनर्जी मिलती है ठूस ठूस के खाने से, राइट। फिर हमने देखा खाने में कौन कौन से कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विच आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा अमाउंट में होती है बॉडी को, राइट। तो आज डिस्कस कर लेते भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से थे? दो ही था, एक था विटामिन्स एंड दूसरा था मिनरल्स। ये विटामिन्स एंड मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है। व्हाई माइक्रो? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को बहुत कम अमाउंट में होती है, राइट। गाइस थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि ये विटामिन एंड मिनरल हमारी बॉडी को क्यों जरूरत है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जरूरत है। किससे मिलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स? फ्रूट से मिलते हैं भाई, राइट। तो विटामिन्स की अगर सिंपल डेफिनेशन करना चाहो तो आपकी बुक लिखती है ये ऐसे सर्टन केमिकल कंपाउंड है जो बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चाहिए। ये ना भी मिले तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन होने चाहिए भाई, राइट। क्योंकि मेन वाले कौन से थे? वो मैक्रो। ये इनकी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन होने चाहिए भाई, राइट। तो हमारी बुक क्या डेफिनेशन लिखती है? दे आर केमिकल कंपाउंड्स, दीज आर सर्टन केमिकल कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग होने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? विटामिन्स या विटामिन्स होने चाहिए, राइट। अभी इन ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखा तो भी इनफ है, राइट। अभी ये जो विटामिन्स है, कितने टाइप के विटामिन्स होते हैं? बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन हमारी बुक कुछ पांच विटामिन्स पढ़ाती है भाई। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपके पास है विटामिन ए, फिर बी, सी, डी, ई एंड के। ऐसा ई एफ जी एच वो मत करते जाना, ए विटामिन ए, ये सबके आगे विटामिन लगा देना भाई। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ये पांच तरीके के विटामिन आपकी बुक पढ़ाती है, राइट। अभी ये पांचों विटामिन को ना हमने फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, राइट। किस बेसिस पे वो भी बता देती हूँ। एक क्राइटेरिया होता है फैट सोल्यूबल और दूसरा विटामिन का टाइप होता है वाटर सोल्यूबल। अभी इधर भी ज्यादा दिमाग दौड़ाओ मत, बहुत ही इजी क्राइटेरिया है फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। गाइस ये विटामिन के टाइप इस बेसिस पे किए गए हैं कि जो विटामिन पानी में सोल्यूबल है, पानी में डिजोल्व हो जाएंगे तो उनको किधर डालेंगे? वाटर सोल्यूबल में। जो विटामिन फैट में डिजोल्व होंगे उनको कहाँ पे डालेंगे? फैट सोल्यूबल में, राइट। तो आपको अभी याद रखना क्या है यहाँ पे कि फैट सोल्यूबल में कौन कौन से आ रहे हैं। तो फैट सोल्यूबल में आ रहे हैं आपके विटामिन ए, डी, ई एंड के। इन सारों के आगे विटामिन लिख देना भाई, राइट। तो यहां से एमसीक्यू बन सकता है। फैट सोल्यूबल कौन से? ए, डी, ई, के। फिर बचे कौन इन पांचों में से? कौन बचा? विटामिन बी एंड विटामिन सी, राइट। तो ये विटामिन बी एंड विटामिन सी ये किस में आते हैं? वाटर सोल्यूबल में आते हैं। बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं। विटामिन मतलब क्या? ये ऐसे केमिकल के ग्रुप है जो बॉडी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भाई रिक्वायर्ड है, राइट। कितने विटामिन पढ़ने हैं हमें? पांच, ए, बी, सी, डी, ई एंड के, राइट। फिर हमने क्लासिफाई कर दिया विटामिन में ऑन द बेसिस ऑफ किधर वो डिजोल्व हो रहा है। अगर पानी में डिजोल्व हो रहा है तो वाटर सोल्यूबल, अगर फैट में डिजोल्व हो रहा है तो फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में कौन कौन से? ए, डी, ई, के एंड वाटर सोल्यूबल में कौन से? विटामिन बी एंड विटामिन सी। एकदम ईजी था भाई, आगे बढ़ते अभी, राइट। आगे आपकी बुक पढ़ाती है रेस्पिरेशन के बारे में। मैंने कहा ना इस चैप्टर में दो लाइफ प्रोसेसेस हमें डिटेल में देखनी है। फर्स्ट है रेस्पिरेशन एंड सेकंड है सेल डिवीजन। रेस्पिरेशन पे भी जाएंगे, लेकिन आपके हिसाब से क्या है रेस्पिरेशन? क्या होता है? आप बोलोगे भाई मैम सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, एब्सोल्यूटली लोअर स्टैंडर्ड में यही सीखा है, लेकिन टेंथ में आ गए ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सीखते हैं भाई रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है।
राइट, आराम आराम से जाएंगे। लेकिन डू लेट मी नो कमेंट्स में कि क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम चीजें है या नहीं, राइट। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देती हूँ, देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम है या नहीं। मैं भी आंसर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ढूंढो, राइट। तो पहले देखते हैं भाई टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये क्या नया चीज है भाई। देखो दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। अभी ये क्या चीज है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, मतलब नथिंग बट सिंपली जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, और जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बाहर जाता है, राइट। ये है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, एकदम आसान, राइट। रेस्पिरेशन दो टाइप्स का है, उसमें से हमने पहले देखा बॉडी लेवल। बॉडी लेवल मतलब O2 को, ऑक्सीजन को अंदर लो और CO2 को बाहर छोड़ दो। अभी दूसरा लेवल कौन सा है फिर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दूसरा लेवल होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आप बोलोगे हमारी सेल भी रेस्पिरेशन करती है क्या? बिल्कुल, सेल भी रेस्पिरेशन करती है, हर एक सेल, राइट। इसको डिटेल में देखना है भाई। अभी देखो एक ब्रीफ में बता देती हूँ होने क्या वाला है। ये सेल है, राइट, सेल की मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ रखा है कि हमने फूड क्यों खाया, क्योंकि हमसे उधर से हमें क्या चाहिए थी, एनर्जी, ठीक है। मैंने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, सपोज कार्बोहाइड्रेट जा सकता है क्या सेल के अंदर? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है ना, सेल के अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने तोड़ा, किस प्रोसेस के थ्रू तोड़ा? डाइजेशन के थ्रू, और क्या बना लिया? ग्लूकोज। अभी मेरे बॉडी, मेरे सेल के अंदर क्या गया है? ग्लूकोज गया है भाई। अभी ग्लूकोज से मुझे एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं बच्चों, ग्लूकोज से डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलेगी। लिसन, ग्लूकोज के अंदर ना हमारी एनर्जी ट्रैप है, हमारी एनर्जी बंद पड़ी है। ऐसा समझ लो ग्लूकोज एक बॉम्ब है, उस बॉम्ब के अंदर एनर्जी है। बॉम्ब की एनर्जी बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हो? अगरबत्ती से चिंगारी लगाते हो, चिंगारी लगा दी, फट फूट गया, एनर्जी बाहर। अभी ग्लूकोज को भी फोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिटरली चिंगारी बिंगारी लगाओगे क्या? नहीं, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे ऑक्सीजन, राइट। जब मैं ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूंगी तो मेरा ग्लूकोज टूट जाएगा, फूट जाएगा, और उधर से क्या लिबरेट होने वाली है, क्या आने वाली है? ढेर सारी एनर्जी आने वाली, राइट। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ मेरे सेल के अंदर मेरे फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज इनसाइड सेल, राइट। फूड स्टफ मतलब ग्लूकोज, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। प्रोटीन तोड़ा तो अमीनो एसिड भी हो सकता है, लिपिड तोड़ा तो फैटी एसिड, अल्कोहल, ये भी हो सकता है। इन सब के अंदर एनर्जी ट्रैप है, हमें एनर्जी चाहिए, हमारा एजेंडा ही यही है, एनर्जी चाहिए। लेकिन एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? ग्लूकोज को फोड़ना पड़ेगा। कैसे फोड़ोगे? ऑक्सीजन ऐड कर दोगे। और ये ऑक्सीजन सेल के अंदर आया कहाँ से भाई? अपने बॉडी लेवल रेस्पिरेशन किया ना, बॉडी लेवल में क्या किया था? ऑक्सीजन को अंदर लिया था और CO2 को बाहर छोड़ा था, राइट। तो वो होता है सेल्यूलर लेवल का रेस्पिरेशन। सेल्यूलर लेवल में हमें सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। कैसे प्रोड्यूस की? समझा? नहीं समझा है तो ये पार्ट आप फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं। फूड स्टफ ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ पे ग्लूकोज में हमने सिर्फ ऑक्सीजन ऐड कर दिया, दैट्स राइट। तो यही हमें देखना है कि ये कैसे होता है। नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा आपकी बुक ने एक फिगर दिया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और उन्होंने लेबल्स बोला है कि आप लोग करो, तो हम लोग खुद हाथ से बनाते भाई। बायो है, जब तो खुद हाथ से ड्रॉ नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा कुछ। तो चलिए, ऐसी डायग्राम है ना, अच्छी आ रही है मेरी आज, ठीक है, ओके। इतना डीप ड्राइंग क्लास नहीं है, सो इतना डीप निकालने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। लेबल्स भाई इंपॉर्टेंट है, तो लेबल्स जान लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेबल्स, ओके। ध्यान से सुन लो, ऑफकोर्स हवा किससे अंदर लेते हो? नाक से लेते हो, सो दिस इज नोज। नोज के अंदर आपको दिखाई देती है खाली जगह है, राइट, जहां पे बचपन में हम लोग मस्त उंगलियां डाला करते थे। तो नाक के अंदर खाली जगह है, राइट। तो खाली जगह को हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं? कैविटी। पढ़ोगे आप लोग आगे, कैविटी मतलब नथिंग बट खाली जगह। ये खाली जगह कहाँ है? नाक के अंदर है, तो इसको मैं नेजल कैविटी कह सकती हूँ, नेजल कैविटी, राइट। कैविटी मतलब खाली जगह, नेजल मतलब नाक के अंदर खाली जगह है, तो
तो है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी माउथ के अंदर आओ यहाँ पे, राइट। माउथ में भी खाली जगह है। हाँ भाई, खाली जगह है, इतनी बड़ी पानी पूरी कहाँ ठूसते हो, इतना खाली जगह में तो ठूसते हो, राइट। तो जो खाली जगह माउथ में है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। पूरी पानी पूरी, पूरा वड़ा पाव ऐसा बैठ जाता है ना मुंह में, क्यों, क्योंकि इतना ओरल कैविटी है, इतना खाली जगह है, राइट। तो नाक के पीछे जो खाली जगह है वो नेजल कैविटी, और मुंह के बाद जो खाली जगह है हमारे माउथ में वो क्या है, ओरल कैविटी। यहां तक ठीक है, चलो भाई। अभी गाइस जो कॉमन पॉइंट यहाँ पे दिखा देती हूँ, जो कॉमन पॉइंट जहां पे नेजल कैविटी और ओरल कैविटी यहाँ पे मिल जाती है, राइट, हमारे गले का पार्ट, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं लैरिंग्स। उस पार्ट का नाम क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब जहाँ पे आप हमारा एडम्स एप्पल होता है, बॉयज में ज्यादा क्लियरली प्रोमिनेंट विजिबल होता है, वो वाला रीजन लैरिंग्स। लेवल समझ में आए, नाक की खाली जगह नेजल कैविटी, मुंह की खाली जगह ओरल कैविटी। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, उस कॉमन पॉइंट का नाम क्या है यहाँ पे, लैरिंग्स, राइट। लैरिंग्स से नीचे आओ भाई, क्या आता है अपना विंड पाइप, इसको जरा हटा देती हूँ मैं, ये वाला। लैरिंग्स के नीचे आओ तो क्या मिलता है हमें, अपना विंड पाइप। विंड पाइप मतलब जिससे हवा आने वाली है। गाइस विंड पाइप का प्रॉपर बायो में नेम है, विंड पाइप इज कॉल्ड एज ट्रकिया। ट्रकिया, ट्रचिया मत बोलो, इट्स ट्रकिया, राइट। ट्रकिया मतलब यहाँ पे आपके लिए लिख भी देती हूँ, ट्रकिया मतलब क्या, विंड पाइप, जिससे हवा अंदर जाने वाली है, राइट, ट्रकिया। सो ट्रकिया डिवाइड हो जाता है टू ब्रांचेस में, लाइक दिस, क्योंकि हमारे पास लंग कितने है भाई, दो लंग है ना, तो बना लेते हैं भाई, राइट, एक राइट लंग होता है और एक लेफ्ट लंग होता है। तो ट्रकिया डिवाइड हो गया दो ब्रांचेस में, और इन ब्रांचेस का नाम है ब्रॉन्चस, ब्रॉन्चस, और ब्रोंकस भी बोलते हैं इसे, राइट। यहां तक ठीक, ट्रकिया हमारा डिवाइड हो गया दो पाइप में, दो पाइप का नाम क्या है, ब्रॉन्चस। राइट वाला राइट ब्रॉन्चस, लेफ्ट वाला लेफ्ट ब्रॉन्चस, किस लंग में जा रहा है डिपेंड ऑन दैट, राइट। अभी यहाँ पे आते हैं भाई छोटे छोटे, किस कलर से बनाओ, ब्लू लेते भाई। यहाँ पे आते छोटे छोटे सर्क्यूलर स्ट्रक्चर, टेढ़े जैसे, राइट, एकदम गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं। इन गोल गोल स्ट्रक्चर्स का नाम है एल्वीओलाय, एल्वीओलाय। बच्चों डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है कि एल्वीओलाय का फंक्शन, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यही एक्चुअली जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होने वाले हैं। मतलब हम सब सांस जब लेते हैं तो एल्वीओलाय में जाता है, और एल्वीओलाय से ही CO2 बाहर आता है। तो एल्वीओलाय इज द प्लेस वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, राइट। तो ये इतना याद रखो, इतने लेबल्स काफी है। और लास्ट, लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डार्क ग्रीन से बनाती हूँ भाई, लाइक दिस, राइट। इस स्ट्रक्चर का नाम है डायफ्राम। डायफ्राम का फंक्शन क्या है भाई, डायफ्राम अपना अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट को सेपरेट रखता है। सो दिस इज नथिंग बट डायफ्राम, डायफ्राम। यहां तक ठीक है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी बुक में अच्छा बना हुआ है, लेकिन हमने हाथ से बना लिया, आप भी ट्राई करो घर में हाथ से बनाने की, राइट। फिर से एक बार सारे लेबल्स रिकैप कर लेते हैं। नाक के पीछे की जगह नेजल कैविटी, माउथ में जो खाली जगह है वो ओरल कैविटी, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी कॉमन पॉइंट पे आ गया जिसका नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स फिर से आता है विंड पाइप, विंड पाइप मतलब अपना ट्रकिया। ट्रकिया डिवाइड हो गया दो लंग्स में, उन पाइप को क्या नाम दे दिया, ब्रॉन्चस, राइट ब्रॉन्चस एंड लेफ्ट ब्रॉन्चस, राइट। फिर आता है अपने सर्क्यूलर पेढ़े जैसे गोल गोल स्ट्रक्चर जिनका नाम है एल्वियोला, और लंग्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं अपना डायफ्राम, राइट। यहाँ तक ठीक है, ये बेसिक हमने देख लिया। अभी इम्पॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की, ये वाला भाई, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हिंट मैंने एक बोल सकते हैं ना, फिल्म का ट्रेलर मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, राइट। अभी पूरी की पूरी फिल्म कल वाले लेक्चर में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान तरीके से समझाओ, ट्रेलर समझाओ तो सस्पेंस के लिए रेडी हो जाओ कि क्या होने वाला है भाई, ग्लूकोज को फोड़ने वाले हैं, राइट। तो ये इस लेक्चर में हमने कवर किया विटामिन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और फिर हमने देखा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।